हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अपनी आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबसे पहले निफ्टी पर आते हैं, निफ्टी में मैंने दोस्तों आपको ये रेंज बना के दी थी, एक ट्रायंगल पैटर्न बना के दिया था। आप देखोगे तो निफ्टी कल तो पूरा दिन इसी रेंज की अपने रेसिस्टेंस जोन पे ही घूमता रहा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, पर आज इसने इस रेंज को रिजेक्शन लेके अच्छा खासा एक हमें फॉल दिया। जितना निफ्टी हमें फॉल देता उसके मुकाबले तो ये बहुत छोटा फॉल था, पर दोस्तों फिर भी पुट ऑप्शन अगर हम इसमें इन द मनी रहते तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हो गया होता। दोस्तों, अब इसमें मेरी अगली कल के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? कल जैसा कि आप देखोगे भी कल एक्सपायरी का दिन भी है। ठीक है, तो कल आप जैसे कि इसमें देखिए, हो सकता है कि कल दोस्तों थोड़ा सा गैप डाउन खुले, मार्केट गैप डाउन खुले या फिर खुल के थोड़ा नीचे जाए और इस अपने सपोर्ट जोन को ना टच करके, जैसे ही मुझे रिजेक्शन मिलेगी ना इसमें दोस्तों, मैं इन द मनी कॉल लेके इसमें एंटर हो जाऊंगा। ठीक है, और इजीली छोटा टारगेट दोस्तों, ज़्यादा बड़ा टारगेट मैं रखूंगा नहीं इसमें, क्योंकि आजकल मार्केट साइडवेज ही चल रहा है। ठीक है, छोटा टारगेट रख के यहाँ तक का अपना या फिर यहाँ तक का रेंज के हिसाब से एग्जिट हो जाऊंगा और छोटे लॉट्स में छोटा प्रॉफिट कमा के देखूंगा दोस्तों। पर दोस्तों, आप ना इसमें आउट ऑफ द मनी मत जाना, आप इसमें इन द मनी ही रहना या फिर एट द मनी। मैक्स टू मैक्स आप अपना 15,650 तक का कॉल ऑप्शन बाय करके इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमाइएगा। अगर आपको यहाँ से रिजेक्शन दिखती है दोस्तों, तो अगर आपको लगता है ना कि ये भी ब्रेक करने वाला है, तो दोस्तों इसमें इसको अवॉइड करिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ से जब रिजेक्शन मिले ना तब ही बाय करना है इसको, उससे पहले बाय मत करिएगा दोस्तों। दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो जो हमने आपको लेवल्स बना के दिए थे, एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देके बैंक निफ्टी आज यहाँ से रिजेक्शन ली इसने। देखो, एक अच्छा खासा यहाँ से रेजिस्टेंस रिजेक्शन लेने के बाद हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन तक ये इजिली आया। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसमें क्या नया करा है दोस्तों? मैंने इसमें ना ये जो हमारी नई हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी मेरे लिए एक अच्छा खासा रिजेक्शन का जोन बन रही है। तो मैंने यहाँ पे भी सुबह सुबह जब यहाँ से इसने रिजेक्शन ली थी, जब भी बना दी थी देखने के लिए। ठीक है, तो ये भी हम मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, तो मैंने ये भी आप दोस्तों मार्क करके चल सकते हैं 35,341 का। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा हम यहाँ ऊपर का जो 35,680 है इसका नेक्स्ट टारगेट अचीव कर सकते हैं दोस्तों। तो स्क्रीन दोस्तों, मैंने कोई लेवल इसमें छेड़खानी नहीं करी, बस एक नया लेवल और बना दिया, तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हो अपने स्क्रीन पे। दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारे जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आजकल जो स्टॉक चल रहा है, अडानी कंपनीज का, अडानी पोर्ट्स। दोस्तों, अडानी पोर्ट्स में मैं आपको पहले क्या दिखाना चाहूँगा कि इसमें एक काइंड ऑफ ये पैटर्न बन रहा है, देख रहे हैं आप? ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था और फिर जब कल न्यूज़ में अच्छा खासा इसमें मतलब अडानी के बारे में लोगों ने बहुत कुछ बोला और एनएसडीएल ने इसके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, तो ये नीचे आ गया। पर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई इसने और रिकवरी दिखाने के बाद एग्जैक्ट यहीं से ही रिजेक्शन लिया इसने इस ट्रेंड लाइन पे से, और एक आज वापस 7.5% तक का इसने डाउनफॉल दे दिया दोस्तों। अब इसमें दोस्तों मेरे को क्या दिख रहा है, अगर आप देखेंगे इसमें क्लियरली, तो एक काइंड ऑफ रिजेक्शन जोन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं पीछे जाके देखूंगा ना, तो एग्जैक्ट दोस्तों यहाँ ये जोन बहुत अच्छा पीछे भी रिस्पेक्ट दे रहा है, देख रहे हैं आप? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, अब अगर मेरे को दोस्तों इसमें कल के दिन ना इस जोन को ये ब्रेक कर देता है ना, तो मैं इसमें बहुत ही अच्छा खासा डाउनफॉल दोबारा देख सकता हूँ। ठीक है, और अपना 1:1.5, 1:2 का टारगेट तो इजीली इसमें मैं अचीव कर लूँगा दोस्तों। दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने अगले स्टॉक पे, जो कि है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, तो अराउंड 14 मई से दोस्तों, 14 मई से हमारा जो अशोक लेलैंड है वो इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है।
देखिए, देख पा रहे हैं आप दोस्तों, इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है और इसमें अब ये नीचे आते हुए दिख रहा है। अगर मैं शॉर्ट टर्म दिखाऊँ ना दोस्तों आपको, शॉर्ट टर्म में सिर्फ मैं यहाँ से भी कनेक्ट करूँ तो एक काइंड ऑफ इसने इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ दिया, इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है। पर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इसमें मेरे को एक चीज़ और दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा भी दूंगा, ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाई थी। ये देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये काइंड ऑफ रेसिस्टेंस फेस, यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस हो रहा था इसको, और यहाँ पे अब ये अपने एग्जैक्ट इस सपोर्ट लेवल पर आ चुका है, ठीक है। अगर ये दोस्तों कल हमें ब्रेक देता है ना इस लेवल का, मेरा ये देखिए दोस्तों, अगर ये कल यहाँ पे से फॉल देता है और रीटेस्ट करके सक्सेसफुल हो जाता है नीचे जाने की तरफ, तो मैं इसको इजीली ट्रेड करूँगा, ठीक है दोस्तों, वरना मैं इसको अवॉइड करूँगा। पर अगर इसमें मेरे को ये भी एक काइंड ऑफ ये ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, अगर एक इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले जाता है यहाँ से और इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ से ब्रेक देता है, सपोर्ट ले लेता है सक्सेसफुली और ऊपर की तरफ ब्रेक देता है, तो मैं इजीली अपना यहाँ तक का टारगेट तो इसमें अचीव कर जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको कल जरूर अपनी वॉच लिस्ट में बनाए रखिएगा और इजी टारगेट्स इसमें इजीली अचीव करिएगा दोस्तों। ये रहे हमारे इजी टारगेट्स, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं अपने अगले स्टॉक पे, जो कि मैंने आपको कल भी दिया था, जो कि है इन्फोसिस। इन्फोसिस दोस्तों मैंने आपको क्यों दिया, मैं आपको पहले चीज बताना चाहूंगा कि एक तो इसने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिया अब अपने, और ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद ये रीटेस्ट करने आया है इसको, देख रहे हैं आप। मैं थोड़ा सा 15.5, और मैंने आज सुबह भी आपको, अगर मैं टेलीग्राम भी दिखाऊं आपको, एक सेकेंड, ये देखिए, अगर मैं आपको टेलीग्राम भी दिखाऊंगा ना दोस्तों, मैंने टेलीग्राम पे जैसे कि मैं अपने दोस्तों को लाइव इंट्राडे के स्टॉक्स के बारे में बताता रहता हूँ कि कौन क्या कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो मैंने गाइस, आईटी सेक्टर्स आर पॉजिटिव एज आई कैन सी राइट नाउ, इन टुमारो एनालिसिस आई गेव यू इन्फोसिस, वॉच दैट एज आई टोल्ड यू यूट्यूब, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आप देखोगे तो इन्फोसिस ने कितना अच्छा हमें टारगेट तो दे दिया, टारगेट के बाद भी ये हमसे कितना ऊपर गया दोस्तों, हमारे टारगेट से, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे तो ये अब इस अपने ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आया है दोस्तों, और अगर कल हमें इसमें से कोई रिजेक्शन मिलती है ना, अगर रिजेक्शन ये दे देता है यहाँ से सपोर्ट जोन से अपने, ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छी खासी बाइंग मिलने वाली है हमें, और इंट्रा डे नहीं दोस्तों, ये हमें एक स्विंग की अपॉर्चुनिटी भी देने वाला है दोस्तों। तो आप इसको जरूर अपने वॉच लिस्ट में बना के रखिएगा, ठीक है, और अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। बाकी इसमें आप ये चीज़ भी देखिए एक बारी कि एक ये काइंड ऑफ यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, और रिजेक्शन लेके यहाँ से नीचे आया है ना, और यहाँ पे एक काइंड ऑफ सपोर्ट जोन प्रोवाइड हो रही है इसको, ठीक है दोस्तों, आप क्लियरली देख पा रहे हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये लेवल क्रॉस कर गया ना, इसका सपोर्ट जोन जो है टेम्पररी, ये जो छोटा सपोर्ट जोन है इसको क्रॉस कर जाता है, इसको ट्रेंड लाइन को टच करके, तो बहुत अच्छा ही हमें इसमें स्विंग की भी और इंट्राडे की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे आखिरी स्टॉक पे, जो भी ये स्टॉक भी मैंने आपको कल दिया था दोस्तों। इसमें दोस्तों ये ऊपर की तरफ तो क्रॉस दिया नहीं इसने हमें, ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं दिया, उसके बाद तो नीचे नीचे आता रहा। अब इसमें मेरे को एक चीज़ क्या दिख रही है, ये देखिए दोस्तों, जो टाटा कम्युनिकेशन है वो एक काइंड ऑफ ये अपना सपोर्ट जोन ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। आज भी इसने इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेके ही मार्केट को ऊपर, स्टॉक को ऊपर उछाला। अब दोस्तों देखना है हमें ये है कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है ना, तो बहुत अच्छी हमें यहाँ तक का टारगेट तो इजीली मिलेगा ही मिलेगा इसमें, और जो सेकंड टारगेट होगा वो ये होगा, ठीक है। पर अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक देता है और इस ट्रेंड लाइन को, मैं ट्रेंड लाइन से बना के दिखाता हूँ आपको एक बारी, ये रही। पर अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है ना दोस्तों,
तो हमें इजीली यहाँ तक का टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा ऊपर की साइड का, पर हो सकता है कि ये इसको ब्रेक करके बहुत अच्छा हमें स्विंग के लिए मूव दे और ऑल टाइम हाई बनाए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आज आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते